हर साल मैं सुनता आता था कि वृंदावन की होली ऐसी होती है, वृंदावन की होली वैसी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार खुद मैं जाकर वृंदावन की होली को महसूस करके आऊँ, देख के आऊँ वहाँ ऐसा क्या जोश है जो हर कोई वृंदावन जाना पसंद करता है। तो जी हाँ, स्वागत है आपका फिर एक नई वीडियो में, जहाँ मैं आपको ले कर चलूँगा वृंदावन की होली में। साथ ही साथ हम शनिदेव की प्रतिमा भी करके आएंगे। गुड़गांव से वृंदावन जाने का रास्ता बड़ा ही सिंपल है। आप चाहो तो ट्रेन ले सकते हो, बट मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा कि आप अपनी खुद की कार से जाओ। अगर आप दिल्ली से हो तो यमुना एक्सप्रेस से यूज़ कर सकते हो। अगर आप गुड़गांव से हो तो आप मेरी तरह दिल्ली वडोदरा हाईवे यूज़ कर सकते हो, जो कि अभी नया बना है, और वहाँ से फिर आप KMP पकड़ते हुए अपना वृंदावन जा सकते हो। गुड़गांव से वृंदावन पड़ता है एग्जैक्ट 130 किलोमीटर। तो आप 2 से 2.5 घंटे की नॉनस्टॉप ड्राइव के साथ वृंदावन पहुंच सकते हो। तो हम सुबह सुबह ही निकल गए थे 6 बजे वृंदावन के लिए। सुबह सुबह निकलने के कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं कि आप टाइम से पहुंच जाते हो अपनी डेस्टिनेशन पे, प्लस में आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, आप मेन एरिया को कवर कर लेते हो। तो कोशिश करो जितना जल्दी निकल सको उतना आप उस एरिया को डेस्टिनेशन पहुँच के एक्सप्लोर कर सकते हो। रिसेंटली दिल्ली टू मुंबई का जो न्यू एक्सप्रेस वे बना है उसका स्टार्टिंग का पैथ स्टार्ट हो चुका है, तो हम वृंदावन जाने के लिए उसको यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा बना है ये। इसी टोल के साथ हमने एंट्री ले ली है दिल्ली टू मुंबई वाले एक्सप्रेसवे में, जिसको रिसेंटली ही स्टार्ट किया गया है, और देखने में जितना बेहतरीन लग रहा है, 6 लेन का प्रॉपर एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिससे कि दिल्ली टू बॉम्बे का जो टाइम डिफरेंस है वो 12 घंटे तक कम हो सकता है। अभी हम नॉर्मल NH 8 या फिर NH 48 यूज़ करते हैं, जिसमें ट्रायल करने में हम एग्जैक्ट 36 आवर्स लगते हैं, बट इसके बनने के बाद हमें 24 to 25 आवर्स में हम मुंबई पहुंच सकते हैं। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का खड़न प्लान बना था टूवर्ड्स दी मथुरा, वृंदावन और कोसी। तो हम जा रहे स्पेशली होली खेलने। तो आज मेरे साथ मेरे सफ़र में मेरा भतीजा आया हुआ छोटा। नाम बताओ अपना। मेरा नाम दिव्य चाचा। बस मैं। तो आज हम इसके साथ, हालांकि इसके मम्मी पापा भी चाचा भी साथ हैं, तो पूरा फैमिली ट्रिप है टूवर्ड कोसी, शनि मंदिर जा रहे हैं बेसिकली। होली का भी देखते हैं, कुछ वृंदावन में प्लान करेंगे, और साथ में तो हमारे वीडियो में आ गया है, ठीक है। अब क्या लाइक कराएगा दोस्तों से, हेलो कर दो दोस्तों को। तो हम सुबह निकले थे, हम सुबह 6 बजे निकले थे घर से, तो अभी 8:30 हो रहे हैं, और जस्ट मथुरा से पहले रुके हैं हम यहाँ पे कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए शिव रेस्टोरेंट। भाई क्योंकि सुबह खाली पेट आए थे, भूख लग रही है ना। हाँ। ये तो रोने लग गया था रास्ते में, है ना, भूख के लिए। हाँ। तो हम सुबह 6 बजे घर से निकले थे और 8:30 बजे हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से परिक्रमा शुरू होती है। हमें पूरा चक्कर काट के दोबारा इस मंदिर पे धोख लगानी होती है। श्रद्धालु कितने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, एक तो शनिवार प्लस में होली का त्यौहार जस्ट आने वाला है 2 दिन बाद, तो पूरा क्राउड ने लोग इस बार कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ अपनी वीडियो में। तो ये रिसेंटली मैंने कैमरा परचेज किया था Insta360, तो इस बार कुछ फुटेज इस वाले कैमरे से आएंगी, ट्राई करते हैं। अभी सीखने में टाइम लगेगा मेरे को, बट अभी आधी परिक्रमा हो चुकी है लाइव फ्रॉम कोकिलावन। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ही बताता था कि नाला रहा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये रास्ता है अभी तो टाइल वाइल लगा रखी है यहाँ पे। ये झील है, यहाँ पानी भरा हुआ है पूरे में।
स्टोरी कर ली है, जस्ट यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, एक घंटे के आसपास लगा। बोले इजी है, इतना टफ नहीं है, वो कर सकता है आराम आराम से, जो करना चाहे। और यहाँ तो हम पैदल चल रहे हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो धूप मार मार के बिल्कुल लेट लेट के पूरा परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनके लिए देखो कैसा रहेगा। अब परिक्रमा करने के बाद अब जा रहे हैं श्रीदेव महाराज के धूप मारने। जय शनिदेव। यहाँ से मेला लगा हुआ है, थोड़ा मेले में फन करेंगे भतीजे के साथ। और बनने में काम अपने अच्छे अच्छे से खाली होगा, हम देख के दिखा दो। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट है और यहीं पे खत्म है। हमने यहीं से स्टार्ट किया था, फिर मंदिर धोख मार के अब इस मंदिर को दोबारा आ गए हम। क्या कैमरा ही 40। ये जो सामने है दिख रहा है वो शनि देव मंदिर है, जो मेन शनि देव मंदिर है। प्रकाश पूरे करने के बाद हम फिर अब यहाँ पे जा रहे दर्शन करने के लिए। और अभी सुबह के 9:30 ही हुए हैं, तो टाइम पे चल रहा है पूरा शेड्यूल। ये होता है टाइम से निकल जाओ सुबह टाइम पे, तो सब कुछ ऐसा तो प्लान ही रहता है। और फिर दालू आज भर के आए हुए हैं, इतनी मैंने भीड़ कभी देखी नहीं है। तो ये मुख्य द्वार है शनिदेव मंदिर का। यहाँ पे अंदर जाते ही उल्टा इधर मंदिर है, सीधा इधर मेला लगा हुआ है पूरे में। तो अभी मैंने प्रसाद लिया चढ़ाने के लिए अंदर, तो ये प्रसाद है, एक छोटा सा तेल की शीशी है, भभूति वगैरह है इसमें, दिया है, एक काला कपड़ा है जो शनि महाराज का होता है, बत्ती है। इसी के साथ अब मंदिर में एंट्री लेते हुए चलो भैया, चला आ रहा हूँ पीछे पीछे। शनि महाराज के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे टूवर्ड्स वृंदावन। वहाँ पे एक फेमस मंदिर है इस्कॉन के द्वारा बनाया गया, कीर्ति मंदिर को विजिट करने के लिए। दर्शन करने के बाद ये 10 किलोमीटर बाद ये मंदिर पड़ता है, कीर्ति मंदिर। बहुत ही प्यारा लग रहा है बाहर से देखने में, और जिस तरीके से बनाया हुआ है, आर्किटेक्चर है, पूरा डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ से 26 किलोमीटर दूर पड़ते हैं गोवर्धन की प्रतिमा, इसे करनी हो वो 21 किलोमीटर के आसपास की है, पैदल भी कर सकते हो। और सुनने में आया कि वहाँ पे ऑटो वगैरह भी चलते हैं, अगर तो जल्दी करनी हो या जो नहीं कर सकता। ये देखो एक मोड़ बना रखा है, इतना प्यारा लग, बहुत ही सुंदर। कीर्ति मंदिर के अंदर है, ये बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी होली की
वाइब आ रही है पूरी की पूरी, देख सकते हो। अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि यहाँ से हम मथुरा निकल रहे हैं होली के लिए। शनि मंदिर की प्रतिमा हो चुकी है, शक्ति मंदिर देख लिया है, अब जाते हैं देखते हैं। अभी होली एक्चुअली में कोई सिस्टम ही होता है कि यहाँ पे कुछ विलेजेस हैं तो हर विलेज में अलग अलग टाइम पे होली बनती है, तो अभी पता करता ही एक्चुअली में कौन सी जगह पे होली खेली जा रही है आज, उसके अकॉर्डिंग वहाँ जाके होली का पूरा आनंद लेने वाले हैं। बाकी थोड़ी बहुत होली तो यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है बिल्कुल। यह पूरा मंदिर ऐसा दिखता है, देखो बहुत ही प्यारा, मतलब जो इसमें आर्किटेक्चर जो बारीकी का काम हुआ है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पास से दिखाता हूँ तुम्हें कि पास से कैसा मंदिर दिखता है ये, मतलब एक एक चीज़ पे इतना ध्यान दिया गया है, एक कॉलम से लेके एक जो वॉल है, वॉल पे क्या डिज़ाइन है, पूरी थीम जो है मोर वाली थीम है जो कृष्ण जी का बताते थे मोर। तो ये देखो ये एक ही उसमें तीन पिक हो गए, 1 2 3, और पूरा ऊपर जो डिज़ाइन है उसी से इंस्पायर्ड है सारा। वहाँ पर कुछ जाके ऐसी बना रखी हैं जूम, बना रहा हूँ ये झांकी बनाई हुई है राधा रानी की, और कृष्ण जी पीछे है, ये पूरा देखो सब घूम रहे थे। होली खेलने से पहले टी शर्ट ली है राधा राधे की, बताना कैसी लगी मेरे को, तो सही बहुत प्यारी लग रही है देखने में ना, फिटिंग एक नंबर की आ रही है। अब देखते हैं कि गुलाल मिल जाए तो ना होली बन जाए बढ़िया। तो अभी का सीन ये हुआ कि हमें घर जाना पड़ रहा है वापसी में, तो कोई इशू नहीं है, बट ये है कि आप लोगों के लिए मैं वृंदावन की होली पक्का लेके आऊँगा। मेरे फ्रेंड है, मैंने उसको बोला हुआ है कि वहाँ के वो फुटेज देगा वो होली से पहले, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली वहाँ की होली बनती कैसे है। मैं पर्सनली बड़ा एक्साइटेड था वहाँ की होली इन्जॉय करने के लिए, बट कोई इशू नहीं है फिर कभी, पर अभी के लिए हम जा रहे हैं दोबारा गुड़गांव। मैं ड्राइविंग सीट पर ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा, अब मैं आपको सीधा गुड़गांव मिलता हूँ। वृंदावन की होली एक दिन की नहीं होती, वो पहले से स्टार्ट हो जाती है, और ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी राधा जी के पास जाते हैं होली खेलने हर साल। तो जो कृष्ण जी थे वो मथुरा के थे, राधा थी वो थी बरसाने की, तो उसके बीच का जो एरिया पड़ता है वृंदावन। तीनों जगह पे अपनी अपनी तरह की होली खेली जाती है। बरसाना या फिर नंदगांव में लठमार होली बड़ी फेमस है, वृंदावन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको फूल होली खेली जाती है, और यहाँ पे एक तरह की होली और खेली जाती है, वो है विधवाओं के लिए होली। पहले के टाइम पे विधवाओं को किसी भी तरह के शुभ काम में या फिर त्यौहार में भाग लेने की सख्त मना थी, बट वृंदावन में एक स्पेशल होली खेली जाती है जिसमें सारी विधवा इकट्ठी होती है और एक दूसरे के साथ कलर के साथ होलियाँ खेलती है। और वृंदावन में एक मंदिर है जो कि सबसे मेन मंदिर है, अगर आप जा रहे हो वृंदावन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, थोड़ा क्राउड होगा तो आप जाओ, बट उसको प्लीज़ विजिट करो, वो है बाके बिहारी टेम्पल। Yeah.
वॉज फाइन और जल्दी आना पड़ा मुझे, मेरा मन था वहाँ की होली को एंजॉय करने का, बट कोई नहीं, मैंने अपने फ्रेंड को बोला हुआ है वो वहाँ से अपनी लाइव फुटेज या फिर मेरे को कुछ ना कुछ वीडियो बना के देगा जो मैं उस लोग में ऐड कर दूँगा। अगर नहीं दिया तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम उसको अच्छे से फिर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम प्रॉपरली जाके टाइम मैनेज करके उसको पूरा शूट करके आ सके। बट एक चीज़ माननी पड़ेगी, जो नया एक्सप्रेस वे मुंबई के लिए जो गुड़गांव से ओपन हुआ है, इतना बेहतरीन हाईवे है वो, कि कार से आने का अपना ही एक फन है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे एक वो 200 किलोमीटर तक का पैच ओपन हुआ है जयपुर जस्ट पहले तक, तो क्यों ना मैं सोच रहा हूँ कि एक लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए आना जाना। तो इसी बहाने मेरे को बहुत लोग मैसेज कर रहे कि आपकी टाटा टियागो क्या माइलेज होगी, तो उसमें माइलेज टेस्ट भी हो जाएगा। तो यस, नेक्स्ट वीक कोई मुझे ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम का हैंडल पिन करें, ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, इवन डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम का हैंडल डाल दूंगा, मुझे फॉलो करें, मुझे पिन करें, जो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है जस्ट फॉर फन, गेड़ी मार के आएंगे और जाएंगे, नथिंग मोर देन दैट। एंड यस, हैप्पी होली आपको और आपके परिवार को, होली की हार्दिक शुभकामनाएं।